पर मैं मनोज को दिल से धन्यवाद देता हूं कि जब मैं दिल्ली गया था और भैया के आवास पे, तो मैंने इनसे ये कहा था कि भैया अगर ऐसा कुछ हो जाता तो बढ़िया होती। तो भैया ने कहा तुम जाओ पहुंचो बॉम्बे और पहुंचते ही तुम्हें खबर मिलेगी कि ये होने जा रहा है। तो ये वादा आपने निभा दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं इंडस्ट्री की तरफ से। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आपको इस कार्य दिल से धन्यवाद देती है। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मनोज तिवारी की तरफ। जो जो खेला जाएगा मनोज तिवारी 11 और रवि किशन 11, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे तीनों कैप्टन आ जाए, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी और साथ ही साथ दिनेश लाल यादव जी भी पिच की तरफ चले जहां पर टॉस होगा। और जितने दर्शक हैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीआईपी जो एरिया है, वीआईपी जो जोन है, वहां पर कोई भी ना जाए। आपके लिए यहाँ पर बैठने का बंदोबस्त है, आप यहाँ बैठ कर मैच का मजा लें। पायस पंडित जी मेरे साथ में है, चलते हैं टॉस उड़ाते हैं पहले मैच का। मैच के बारे में जहाँ जिसके मार्फत हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री एकजुट देखती है, एक साथ दिखती है, और इस प्लेटफॉर्म पे आना, एक दूसरे से जुड़े रहना है, इसी शक्ति से हम लोग जहाँ भी पहुँचे हैं वहाँ पहुँचे हैं। सो हम इसको भूल नहीं सकते। और इतनी बड़ी खुशी आज हमने सबसे यहाँ जानकारी दी कि नरेंद्र मोदी जी ने डिसाइड किया कि पहली बार भोजपुरी सिनेमा का भारत सरकार भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल करा रही है, तो वो इन सबके साथ बांटते हुए और इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना है। के महीने में 3 तारीख से होगा। जो शक है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग प्लीज वो जो रेड पर्दा है उसके पीछे ही मौजूद रहें और वीआईपी जोन के अंदर कृपया करके आप लोग ना आए। आप लोगों के लिए बैठने का बहुत ही बेहतरीन बंदोबस्त यहां पर किया गया है। रवि किशन जी यहाँ पर तैयार है और आशीष पांडे जी, आप लोग किशन नहीं या फिर लीग के बारे में बताएंगे, ये जो लीग है कौन कौन सी टीम है, कौन कौन इसके कैप्टन है? आज तो मनोज तिवारी जी की टीम और रवि किशन जी की टीम है। आप ऐसे क्रिकेट से कितना रुचि रखते? मुझे क्रिकेट से बहुत रुचि नहीं है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री क्रिकेट खेल रही है तो इस बात से ज्यादा रुचि है। क्योंकि परिवार में जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें पसंद हो वही सब करें, परिवार का रुझान जिस तरफ है आज पूरी इंडस्ट्री यहाँ पे, तो इसलिए मैं भी आया हूँ। मेरा व्यक्तिगत रुझान हो ना हो, लेकिन हमारी इंडस्ट्री के लिए मैं आया हूँ। हाँ, ये पहले होना चाहिए, अब बहुत देर से हो रही है, लेकिन देर आया दुरुस्त है, होना ही पड़ेगा। जब कहीं से सूर्य उगता है उसकी रोशनी सब जगह जाती है। आज भोजपुरी इंडस्ट्री एक अपने अलग ही उद्गार पे, तो उसका असर सरकार पे भी पड़ा है, ये सही है। वो तो केंद्र सरकार के पे पड़ा है, राज्य सरकार पे भी ज्यादा पड़ना चाहिए, तभी उसका स्तर कुछ अच्छा हो पाएगा या और भी कुछ उसमें उत्थान हो पाएगा। मेरी मेरी अभी 3rd Feb को रिलीज है मेहंदी लगा के रखना। मैंने फर्स्ट टाइम उसमें विलेन नहीं हूँ, उस रूप में हार्डकोर पॉजिटिव हूँ और बड़ा अभी तक मैंने लोगों को डराया है, तो उसमें मैं इमोशनली रुलाऊंगा। एक ऐसी फिल्म है जो मेरे जीवन में बहुत करीब है। उसके बाद फिर रंगदारी टैक्स है, मतलब अलग अलग तरीके की फिल्म है, लेकिन एक पॉजिटिव, उसके बाद फिर 7-8 नेगेटिव, ऐसा इस तरह की फिल्म अच्छा लग रहा है अभी। मतलब कैरेक्टर डिफरेंट, अगर विलेन भी है तो उसमें कुछ अलग, ऐसा नॉर्मल विलेन नहीं, तो अभी अच्छा लग रहा है। आज जो मैच हो रहा है वीआईपीएल का, उसमें रवि जी की टीम है और मनोज जी की, और जिस हिसाब से अभी टॉस हुआ है, मनोज जी ने टॉस जीता है और आई थिंक वो बैटिंग पहले कर रहे हैं। मैंने प्रॉपर कमेंट्री सुनी नहीं, बट आई थिंक वो बैटिंग पहले कर रहे हैं। सभी अपने हैं, दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट। यही पूछना चाहूंगी, हाल ही में सरकार बहुत मेहरबान है, भोजपुरी भाषा में भी, भोजपुरी फिल्मों में भी, क्या कहना चाहेंगे? सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन मिल रहा है, भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रही है गवर्नमेंट, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है
कि फाइनली गवर्नमेंट को हम लोग की मेहनत दिख रही है और वो हमारे लिए कुछ अच्छे अच्छे डिसीजंस ले रही है, तो थैंक यू सो मच हमारी गवर्नमेंट को, और हम लोग और मेहनत करेंगे और हमारी इंडस्ट्री और ऊपर आएगी और ग्रो करेगी। मनोज तिवारी जी तो मतलब अभी राजनीति में भी नया आयाम सुने हैं, आपको भी रुचि है राजनीति में, आप राजनीति में जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं एज एन आर्टिस्ट बहुत खुश हूँ और इसी में अब खुशियाँ चाहती हूँ, और मनोज जी बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं और वो बहुत अच्छी पॉलिटिक्स कैरी भी करते हैं और कर भी सकते हो, और उनकी ग्रोथ और भी है, और भगवान करे वो सबसे ऊपर और जो भी सबसे अच्छा उसमें पोस्ट होता है वो उन्हें मिले। अभी रिसेंटली रिलीजिंग पे जो है शहनशाह, दिल है कि मानता नहीं तेरे जैसा यार कहाँ, त्रिशूल, ये सब रिलीजिंग के लिए हैं। एंड जो फ्लोर पे जाने वाली है वो है जिगर दिनेश लाल यादव जी के साथ में, एंड शोर मचाए शोर आकाश सिंह यादव जी के साथ में। थैंक यू।